जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपने हेल्थ इश्यूज के चलते कल अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं, जिसके बाद से ही उनकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। शिंजो आबे युद्ध के बाद से जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। तो चलिए आज हम जानते हैं शिंजो आबे के बारे में। हाय गाइस, आई एम मायका वधिया, वेलकम टू माय चैनल लाइफ आई एजुकेशन। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। शिंजो आबे पिछले कई दिनों से पेट में अल्सर के चलते परेशान चल रहे थे, जिस कारण से उन्हें कई बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा और इसी कारण से उनके इस्तीफे की अटकलें काफ़ी दिनों से लगाई जा रही थी। और कल आबे ने अपना रेजिग्नेशन ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। शिंजो आबे के रेजिग्नेशन के अनाउंसमेंट से ही शेयर बाजार एकदम से डाउन हो गया। ये दूसरी बार है जब शिंजो आबे ने इस बीमारी के चलते रेजिग्नेशन दिया है। इससे पहले उन्होंने सन 2007 में भी प्रधानमंत्री पद से इसी बीमारी के चलते इस्तीफा दिया था, जिसके बाद वो 2012 में भारी बहुमत से वापस से विजयी होकर लौटे। और इसी के साथ साथ 2012 से 2020 तक उन्होंने 8 साल कंटिन्यूअसली वहां का प्रधानमंत्री पद संभाला है और वह जापान की हिस्ट्री के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद को संभाल रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके इस पर दुख जताया है, क्योंकि शिंजो आबे प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी करीबी दोस्त माने जाते हैं। उन्होंने कल अपने रेजिग्नेशन के अनाउंसमेंट के टाइम जो टारगेट वो अचीव नहीं कर पाए वो भी बड़े ईमानदारी से उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि वह अपनी इस बीमारी के चलते प्रधानमंत्री पद का कार्यभार ठीक तरीके से संभाल नहीं पाएंगे, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी शिंजो आबे की उम्र मात्र 65 साल थी। भारत के राजनेताओं के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा युवा एज है। 50 साल के लोगों को भी वो युवा नेता मानते हैं। जैसे आप सभी के सामने एक एग्जाम्पल भी है, राहुल गांधी का युवा नेता माने जाते हैं जिनकी उम्र लगभग 50 साल है। और शिंजो आबे जैसे प्रधानमंत्री ने बिना सत्ता का लालच किए हुए अपने देश को प्रायोरिटी देते हुए अपना इस्तीफा दे दिया, जबकि कई देशों में लोग इस कुर्सी के लिए, इस पावर के लिए पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। लोग मरते दम तक सत्ता का लालच नहीं छोड़ पाते। ऐसे में 65 साल की उम्र में ही इस पद से रिटायरमेंट ले लेना बहुत बड़ी बात है। जापान के डेवलपमेंट में शिंजो आबे का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है। लोगों का कहना है कि उनके चलते ही जापान की अर्थव्यवस्था इतने हद तक सुधरी है। हमारे देश की संसद में लगभग 65% नेता 50 से 75 वर्ष के बीच के हैं। जिस उम्र में शिंजो आबे ने रेजिग्नेशन दे दिया उस उम्र में भारत के कई नेता पहली बार इलेक्शन जीत के संसद में आते हैं, और यहाँ तक कि हमारे देश के कई नेता मरते दम तक सत्ता का मोह नहीं छोड़ पाते हैं, जिसके चलते जो रियलिटी में युवा नेता होते हैं उन्हें कभी मौका नहीं मिल पाता आगे बढ़ने का। आप राजस्थान का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। सचिन पायलट, जो कि युवा नेता माने जाते हैं, उन्हें CM नहीं बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें भी CM नहीं बनाया गया था। उनके बदले 75 साल के कमलनाथ को मध्य प्रदेश का CM बनाया गया था, और सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत को राजस्थान का CM बनाया गया था। तो इस तरीके से हमारे देश में ही आप देख सकते हैं कि जो इतने बुजुर्ग नेता हैं वो सत्ता के मोह में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। पर हमारे देश में ही कई ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने राजनीति को प्रायोरिटी ना देते हुए समय रहते रिटायरमेंट ले लिया और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, जैसे कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। इन दोनों नेताओं ने अपनी बीमारी के चलते चुनाव ना लड़ने का डिसीजन लिया था और पिछले ही वर्ष इनका निधन भी हुआ है। कई नेता बीमार होते हुए भी अपनी पार्टी का मोह नहीं त्याग पाते, जैसे कि सोनिया गांधी। उन्हें काफ़ी हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी हैं पर वो अभी तक पार्टी का मोह नहीं त्याग पाई और प्रेसिडेंट के पद पर बैठी हुई हैं। तो इन सभी नेताओं को इनसे सीखना चाहिए कि कैसे अपने देश को आगे रख के काम किया जाता है, ना कि खुद के लालच को देखते हुए काम किया जाता है। शिंजो आबे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उन्होंने साल 2012 से 2020 तक लगभग 6 इलेक्शंस जीते हैं, तो आप इसी से उनकी लोकप्रियता का अनुमान लगा सकते हैं। किसी को भी ये गलतफहमी और घमंड नहीं रहना चाहिए कि वो सदा के लिए है, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ साथ लोग भी बदलते रहते हैं। आज कोई और राजनेता है, कल कोई और होगा। इसी तरीके से लाइफ के हर फेस में समय के साथ परिवर्तन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। शिंजो आबे के कारण ही जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है, क्योंकि वे देश के राष्ट्रीय हितों को महसूस कर पाते थे। शिंजो आबे ने मौजूदा गठबंधनों को तो मजबूत किया ही, साथ ही साथ और नए गठबंधन स्थापित किए हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में जापान का रक्षा बजट भी काफ़ी बढ़ाया है, जिसके चलते जापान और ज़्यादा मजबूत हो पाया। पर इस बीमारी के चलते वो अपने बहुत से टारगेट अचीव भी नहीं कर पाए, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में फंसे कुछ जापानी सैनिकों को वहाँ से रिहा करा पाना और अपने ही देश के आर्टिकल 9 में अमेंडमेंट करना। उनके आर्टिकल 9 जो कि World War II के बाद बना है, उसमें ये गिवन है कि जापान एक लिमिटेड सेना रख सकता है। उन्हें उसमें संशोधन करना था जो वो कर नहीं पाए, जिसके लिए उन्होंने अपने भाषण में ईमानदारी से बताया भी है। मुझे लगता है कि दुनिया के बाकी कई नेताओं को इनसे सीख लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है।
ताकि वो सत्ता का मोह छोड़ के देश को ऊपर रख सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।